मोदी ने कहा दीपावली छठ पूजा यानी नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। सरकार ने 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीन सीमा पर तैनात सैनिकों से 42 चाइनीज ऐप हटाने को कहा था, उनमें से 38 नई लिस्ट में भी शामिल। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को, सरकार न्याय योजना जैसी स्कीम लाए और हर महीने गरीब परिवारों के खाते में 7,500 रुपए डाल। कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ने मंजूरी दी, हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार। शिवराज तीसरे दिन दिल्ली से भोपाल लौटे, आज मंत्रिमंडल विस्तार टला, प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने की अटकल। कंप्यूटर बाबा बोले शिवराज सरकार के आते ही रेत माफिया सक्रिय, अवैध खनन नहीं रुका तो हजारों संत नर्मदा किनारे रोकने पहुंचेंगे। भारतीय यूजर्स के पास चीन के हर प्रतिबंधित ऐप का विकल्प मौजूद है, 59 ऐप्स के रिप्लेसमेंट की पूरी लिस्ट देखिए। पाकिस्तान से फोन आया, कहा 26/11 जैसा हमला फिर होगा, होटल की सुरक्षा और तटीय इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जानलेवा गैस लीक, प्राइवेट कंपनी के दो कर्मचारियों की मौत, 4 लोगों को अस्पताल में किया भर्ती। तड़पती प्रसूता के घर वाले गिड़गिड़ाते रहे पर डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया, अस्पताल के सामने सड़क पर ही बच्चे का जन्म। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज व कोचिंग, बड़े मंदिरों के पट भी अभी नहीं खुलेंगे। दिल बेचारा फिल्म की एक्ट्रेस संजना सांघी से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू, यह सुशांत की आखिरी फिल्म थी। जम्मू कश्मीर में 17 दिन में छठवीं बार भूकंप, जम्मू कश्मीर के कटरा से 84 किलोमीटर पूर्व में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई। लोगों में जूम और पबजी के चीनी ऐप होने पर बड़ा कंफ्यूजन। IIT मद्रास ने शुरू किया डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन कोर्स, ऐसा करने वाला दुनिया पहला संस्थान बना। चीन या भूटान की जमीन पर दावा किया, भूटान का जवाब दावा गलत, वो जमीन हमारे देश का अटूट हिस्सा।